नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदे बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। राजस्थान में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। जयपुर कलेक्टर ने सैटेलाइट अस्पताल सेठी कॉलोनी आदर्श नगर में आज वैक्सीनेशन लगाकर इस चरण की शुरुआत की। इस दूसरे चरण में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अलावा राजस्व विभाग, स्थानीय निकाय, पंचायती विभाग और पुलिस कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने इस फेज के लिए अब तक 2.39 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स का डेटा कोविन ऐप पर अपलोड कर दिया। वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर अंतर सिंह ने कहा कि जिस तरह लोगों में यह भ्रम बना हुआ था कि वैक्सीन सेफ नहीं है, उनसे ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। वैक्सीन लगवाने के बाद मैं खुद अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने उन हेल्थ वर्कर से भी आगे आकर वैक्सीन लगवाने की अपील की है जो अब तक पहले चरण में नहीं आए। साथ ही आने वाले दिनों में सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आने के लिए आग्रह किया। ब्यावर से उदयपुर की ओर जा रहे कंटेनर और ट्रेलर में देर रात को जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिस कारण दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। आग लगने से ट्रेलर में सवार दो लोगों की जिंदा जलने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के कारण मार्ग पर जाम लग गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद श्री सीमेंट और ब्यावर की दमकल मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि दोनों वाहन एक ही दिशा में जा रहे थे। वहां मौजूद लोगों के अनुसार हादसा ओवरटेक करने से हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जावाजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को ट्रेलर से बाहर निकाला गया और जावाजा राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अब रियल एस्टेट मार्केट में रिकॉर्ड मशीन बन गया है। प्रॉपर्टी बेचने में विश्व रिकॉर्ड समेत कई रिकॉर्ड्स बना चुके हाउसिंग बोर्ड ने इस बार एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। बोर्ड ने सिर्फ एक पखवाड़े में ही 135 करोड़ की 500 संपत्तियां बेची है। ऐसा इससे पहले प्रदेश में कभी नहीं हुआ। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की प्लानिंग और नेतृत्व में सुस्त पड़े रियल एस्टेट जगत में हाउसिंग बोर्ड ने एक नई जान फूकी है। संपत्तियों को बेचने में विश्व रिकॉर्ड बना चुके हाउसिंग बोर्ड में इस बार एक अनूठा रिकॉर्ड बना दिया है, जिससे रियल एस्टेट जगत के पंडित भी अचंभित है। जहां कोरोना के बाद रियल एस्टेट मार्केट में मंदी बढ़ती जा रही है, वहीं हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों को उम्मीद से बढ़कर रिस्पॉन्स मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में बुधवार को सेना का एक जवान शहीद हो गया। जोधपुर जिले के खेजड़ला निवासी 23 वर्षीय लक्ष्मण सीमा पर दुश्मनों का बुलंद हौसले और बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए घायल हो गया। उन्हें सेना के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्हें बचाया नहीं जा सका। शहीद के सम्मान में उनके गाँव का बाजार पूरी तरह से बंद है। इस साल नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने की घटना में राजस्थान के जोधपुर निवासी सिपाही लक्ष्मण शहीद होने वाले चौथे जवान हैं। इससे पहले जनवरी में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे। शहरी निकाय चुनाव में गैर पार्षद को अध्यक्ष बनाने के जिस हाईब्रिड फॉर्मूले को सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम रहते हुए खुलकर विरोध किया था, कांग्रेस ने सीएम अशोक गहलोत के नजदीकी डिप्टी चीफ व्हिप महेंद्र चौधरी के इलाके कुशामन सिटी में इसका इस्तेमाल किया है। कुशामन सिटी नगर पालिका में कांग्रेस ने गैर पार्षद आसिफ खान को अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया है। उधर पायलट ने जिस झुंझुनू जिले में सबसे पहले हाईब्रिड फॉर्मूले के विरोध में बयान देकर सियासी भूचाल ला दिया था, उस जिले की चिड़ावा नगर पालिका में कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे सुरेश भूकर हाईब्रिड फॉर्मूले के तहत निर्दलीय के तौर पर मैदान में है। कुचामन सिटी नगर पालिका नावा विधानसभा क्षेत्र में आती है। नावा में डिप्टी चीफ विहिप और जोधपुर के प्रभारी महेंद्र चौधरी विधायक है। महेंद्र चौधरी सीएम अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं। ऐसे में गहलोत के खास नेता के इलाके में हाईब्रिड फॉर्मूले के अध्यक्ष बनने की कवायद की राजनीति हलकों में चर्चाएं है। कुचामन सिटी नगर पालिका में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है। यहां कुल 45 में से 18 बीजेपी, 20 कांग्रेस और 7 निर्दलीय है। बहुमत के लिए 23 पार्षद चाहिए और कांग्रेस के पास 20 की संख्या है। कांग्रेस यहां जोड़ तोड़ से अध्यक्ष बनाने की कवायद कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।